अभी मैं निकला हूँ राजकोट एयरपोर्ट कॉलोनी से ऑलरेडी। फाइनली मुझे मेरा बस मिल गया। अभी मैं राजकोट बस स्टॉप से निकल रहा हूँ। मेरा टिकट बुक था। अभी राजकोट से दीव इसी बस से मैं ट्रैवल करूँगा। 25 नंबर से ये मेरा बुक था। सो बस स्टार्ट हो गया। हम दीव पहुंच गए हैं। अभी मैं उतरा हूँ जिला पुलिस कार्यालय के सामने और आप पीछे देख सकते हो ये जो लाइटिंग है दीव का इंडिपेंडेंस डे जो 19 दिसंबर माना जाता है वो अभी सेलिब्रेशन यहाँ होने वाला है पूरे दीव में, तो इसलिए पूरे दीव में यहाँ ऐसी लाइटिंग हो रही है। मैं हूँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने। ये है दीव फोर्ट के एंट्री गेट। नाइट के टाइम में इसको ऐसा लाइटिंग करके रखा था। अभी अंदर तो जाने नहीं मिलेगा लेकिन एंट्री गेट तक ही हम देख सकते हैं कि कैसा है। सो लेट्स गो। पहला गोवा स्वतंत्र किया, बाद में 40 घंटे के बाद दीव किया, ऐसा किया। और मैंने देखा पापा बोलते थे कि जो गोवा लिबरेशन के लिए ये उतरे विमान हमारे मतलब गाँव के आजू बाजू में उतरे, तो आज मैंने एक वीडियो देखा तो उस पर वही बोल रहे थे कि दौड़ा मार के यहाँ उतरे और वहाँ से अंदर जाना शुरू किया, तो हमारे इधर उतरे थे। आज एक वीडियो में सुना मैंने। फिर से आपको दिखा रहा कलेक्ट्रेट है। अभी सब जो सरकारी कार्यालय वगैरह है उनको ऐसी लाइटिंग की गई है इस ड्यू लिबरेशन डे की वजह से, तो इसका इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो ये है क्राफ्ट मेला जो दीव लिबरेशन डे के दौरान ही शायद ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, लाइक कपड़े हैं, खाने के आइटम्स एंड हैंडीक्राफ्ट वगैरह। तो देखते हैं अंदर जाके, लेट्स सी। चलो आपका यही होता है क्या पान का? अच्छा मीठा पानी होना चाहिए। किचन। और ये है जो बंदा जो 5:30 बोल के सुबह के 5:30 बोल के शाम के 5:30 का अलार्म लगाया। पूरे प्लान का अभी हो गया है, देखते कैसा होगा। हद है यार, ऐसा कोई करता है क्या? सुबह 5:30 बोल के शाम के 5:30 का अलार्म लगाता है यार। अच्छा मैंने बाहर देखा यार, मुझे हम जा रहे हैं नायडा केव्स। भाई को रास्ता नहीं पता है लेकिन लेके जा रहा है। ये नायडा केव्स कहाँ पे? नायडा केव्स पीछे ही है। पीछे वो बंद है। अभी बंद है? चालू कब होगा? अभी बंद है, गिरा नहीं। नहीं गिरा इसलिए? अच्छा थैंक यू। अभी अंकल बोले कि नायडा केव्स बंद है क्योंकि पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। लिटिल उसका कुछ पार्ट्स ढह गया, गिर गया। लाइट पता नहीं, एक्चुअल नायडा केव्स ऐसे टाइप का है कुछ तो, लेकिन अच्छा कि पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। मैनमेड है ना? अच्छा यहाँ से जाना नायडा केव्स। सिम्बा का ये देख अभी जाएंगे हम नायडा केव्स में अंदर। शायद अंदर कुछ पार्ट ढह गया ऐसा बोल रहे हैं, सो जाते हुए हमें केयरफुली जाना है। सो लेट्स सी। यहाँ पे टिकू लगा के रखा है। आगे रास्ता बंद है, पर्यटकों से निवेदन है कृपया आगे ना जाए। सो यहाँ नहीं जाना है, ठीक है? अरे यहाँ से एग्जिट है तो एंट्री उधर से शायद। ओके वो दिखा ना, वो जो है दिख रहा है वहाँ से। नायडा केव्स की एज सच कोई हिस्ट्री नहीं है बिकॉज ये तो पूरे मैनमेड केव्स है, लेकिन जो दीव फोर्ट बनाने के लिए जो पत्थर यूज़ किया गया वो यहाँ से ही निकाला गया। सो दैट्स वाई इसका ये जो फॉर्मेशन हो गया। और एक बात कही जाती है, जब पोर्तुगीज दीव छोड़ना नहीं चाह रहे थे तो उनकी कुछ फोर्सेस, कुछ सोल्जर्स इस नायडा केव्स में तैनात थे। बैठा हूँ नाडिया केव्स ना नाडिया केव्स में, नायडा केव्स आप देख सकते हो। चलो वाले बोलेंगे हमारे नायडा की यहाँ भी है, यहाँ भी जाएंगे अभी। लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये जो कचरा वहाँ पे करते हैं, आप देख सकते हो बियर के कैंस वगैरह है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे अभी नादिया केव देख के हो गए है, सॉरी नादिया केव्स, हाँ नादिया केव्स देख के हो गए। अभी हम जाएंगे ड्यू फोर्ट, राइट, या ड्यू फोर्ट जाने का प्लान है, देखते हैं। तो ये था पार्ट 1 दीव ट्रिप का। पार्ट 2 में देखेंगे सेंट पॉल चर्च, दीव फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल और नागाव बीच और बहुत सारी चीज़ें। देखते रहिए पार्ट 2 भी और देखते, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।